हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। ये क्लिप है रात के 8 बजे की। मैंने जो यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे जो मैं शूट करना भूल गया था, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस की, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री। मैंने जो इसे इस रात के 8 बजे स्टार्ट किया था, और मैं इस वाली क्लिप में बोलना भूल गया था, और मैं थोड़ी बहुत क्लिप डिलीट भी कर दी क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज भरा जा रहा था। इस बार का मेरा मैथ्स का एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा गंदा गया था, सो इसलिए मैं उन्हीं मिस्टेक्स को वापस ना दोहराने के लिए अभी प्री बोर्ड्स आने में, जैसे कि मेरे 15 से 20 दिन है क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहता और हमारे सिर्फ एक प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और इसलिए मैं अभी शुरू से प्रैक्टिस करने के लिए आ गया, और मैं यहाँ पे लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा था जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस जो कि मेरे को बहुत ईजी लगता है, और मैं सारी बुक अब प्रैक्टिस करने वाला हूँ। वैसे तो मेरा सिलेबस पूरा ख़त्म हो चुका है, और हाँ, और जो मैंने पहले अपना मैथ्स का सिलेबस ना 3 दिन में ख़त्म कर दिया था, मतलब तभी मेरे दिमाग में अच्छे से नहीं घुसा मतलब मैथ्स का सिलेबस, और अब मैं वापस मैथ्स का सिलेबस रिवीजन करने बैठा हूँ ताकि अच्छे से वो सारी चीज़ याद आ जाए मेरे को। और जो सिलेबस है ना, वो हम लोग बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, वरना भूलते जाते हैं उसको। कैसे आप लोग ना मेरे को कुछ चैलेंज सजेस्ट करो, जैसे कि स्टडिंग अनटिल द सनसेट्स, स्टडिंग अनटिल द कैंडल बर्न्स आउट, मतलब कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस होते हैं ना, सजेस्ट करो आप लोग मेरे को, वो करने का बहुत मन है। अगर आप लोगों के ऐसे वीडियो में अच्छा रिस्पांस है तो आई थिंक मैं न्यू ईयर से करने स्टार्ट कर दूंगा, और मैं न्यू ईयर तक रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, 2-3 दिन तक, क्योंकि हमारे जल्दी सब्सक्राइबर्स 100 हो जाए। और हाँ गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हमें सब न्यू ईयर से पहले 100 सब्सक्राइबर होने हैं, और आज 30 दिसंबर और सिर्फ कल का दिन बचा है, आज का और कल का। सो प्लीज़ गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा मैं दिन में ज़्यादातर वीडियोस में नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ कुछ वीडियोस में ही दिन में पढ़ा हूँ अभी तक, और मैं जो एक नाइट आउल बन चुका हूँ अभी, पहले जो है मैं दिन में पढ़ा करता था, पर अभी हमारे घर के आसपास ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसलिए मैं रात में पढ़ता हूँ, क्योंकि दोपहर में बहुत डिस्टर्बेंस आती है और मैं ध्यान नहीं दे पाता। और अभी रात में पढ़ने में मज़ा आता है, पहले मेरे को लगता था कि रात में कैसे पढ़ूंगा, बहुत नींद आती है रात में, पर अभी तो मज़ा आने लग गया। मैंने जो रात भर जाग के स्टडी भी करी, बहुत बार लेट नाइट स्टडी भी करी, और बेसिकली अभी हमारे स्कूल की बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ चल रही है, तो मैं ज़्यादातर लेट नाइट स्टडी करता हूँ, और मेरे को लिटरली का इस टाइम कब जाता है, कब रात से सुबह होने वाली होती है मेरे को पता ही नहीं चलता पढ़ते पढ़ते, मतलब कि इतना इंजॉय करने लग गया हूँ मैं आजकल पढ़ाई को। वाली जो क्लिप अभी चल रही है ना, एक क्लिप थी रात के 9 बजे से रात के 11 बजे तक, कितने बजे तक समथिंग, उसके बाद नहीं 10:30 बजे की थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। ओके गाइस, आप लोग मेरे को ये बताना है कि आप लोगों की कंट्री में, आप कौन सी कंट्री में, मे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया से ही होके, आपके कंट्री में बोर्ड्स कितने दिन या महीने में आने वाले हैं। मेरे वाले बोर्ड्स आने में तो अभी 2 महीने या फिर 3 महीने बचे शायद, हाँ 3 महीने बचे हैं, और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस भी करने हैं, और मैं 10th के स्टार्टिंग में इतना सीरियस नहीं था, बट नाउ आई एम गेटिंग सीरियस अबाउट माई स्टडीज़, क्योंकि बोर्ड्स में कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। गाइज़, आप लोग मेरे को ये भी बताओ कि क्या मेरे को अपने रिजल्ट रिवील करके वीडियो बनाना चाहिए। वैसे अभी तो मेरे रिजल्ट्स आए नहीं, पर आप लोग मेरे को कमेंट बताओ कि आप लोग मेरे रिजल्ट जानने हैं, और मैं आप लोग को बताया जा रहा हूँ कि मेरे एग्ज़ाम इतने बहुत अच्छे नहीं हुए, मतलब कि अच्छे भी नहीं हुए, बहुत गंदे जा रहे हैं मेरे एग्ज़ाम्स, सिर्फ 2-3 एग्ज़ाम्स होंगे जो अच्छे गए हैं, सो इसलिए तब भी मैं रिवील कर दूंगा रिजल्ट, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू ऑल गाइज, और मेरे को किसी भी तरह अपने आप को झूठा साबित नहीं करना। और हाँ गाइज, अभी ये वाली जो वॉइस ओवर है इसके बाद से तो म्यूज़िक आने वाला है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं वॉइस ओवर में। और हाँ